पूर्व विधायक राजेश दरमानी ने कहा कि सरकारी गेहूं व चावल की चोरी के आरोप की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दरमानी ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी संपत्ति को लोगों तक सही पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही इस कार्य को आगे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन गुमारमी भाजपा इकाई राशन चोरों के बचाव में लगी हुई है। घुमारवीं के पूर्व विधायक राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिन लोगों को सरकारी संपत्ति को लोगों तक सही पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही अब घोटाले कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। आपको बता दें कि बिलासपुर में सरकारी गेहूं व चावल की चोरी के आरोप में लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया था, जिसके उपरांत घुमारवीं में पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सरकारी गेहूं व चावल की चोरी के आरोपियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में संलिप्त जिला फेडरेशन अध्यक्ष को भी तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। धर्मानी ने कहा कि जिला फेडरेशन अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त कर न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने इन्हें पकड़ने का काम किया है वे काबिले तारीफ है। धर्मानी ने कहा कि स्थानीय विधायक जिला फेडरेशन अध्यक्ष के खासम खास हैं और वे उनका बचाव कर रहे हैं, जिससे कोई भी उचित कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच करवाकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसा आपको मालूम है कि अभी एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कुछ नौजवान युवकों ने एक बहुत बड़ा राशन स्मगलिंग का जो है एक घोटाला जो है उजागर किया है, और उसमें जो अपराधी है जो उसमें राशन ले जा रहा था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उसने ये बताया है कि कौन कौन इसमें संलिप्त थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जुड़े हैं, उनका नाम लिया गया है, और मुख्यतः इसमें जो जिला फेडरेशन का अध्यक्ष है उसका नाम भी लिया गया। तो हमें बड़ी हैरानी हुई, हमें लगता था कि इसके उजागर होने से सरकार एकदम कार्रवाई करेगी और उसको उस पद से जो है तो पदमुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से नहीं हुई है, जो अत्यंत निंदनीय है। बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने जो राशन चोर हैं उनको बचाने के लिए जो है वो अखबारों में जो है बयान दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये घटिया राजनीति है और इनको ये तय करना है कि आपने भाई क्या गरीब का जो हक है उसको मारने वाले, गरीबों का राशन चोरी करने वाले, ऐसे लोगों का साथ देना है। तो हमें जैसा सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा ये घोटाला जो है वो आपके सामने आएगा अगर इसकी न्यायिक जांच होती है, और इस घोटाले को उजागर करने के लिए, इसको निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में हम इसकी रणनीति बनाएंगे। हमारे अध्यक्ष और हमारे जो BDC के चेयरमैन हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हम सब मिलकर पार्टी के अन्य लोगों के साथ मिलकर जो है इसके ऊपर रणनीति बनाई जाएगी।